In pre, I got 120 marks out of 200, and in mains examination, I got 238 marks out of 300. Just like from dams, from rivers in geography, from fundamental rights in polity portion. अल्टीमेट मेरा जो एम था, मेरे मम्मी का, पापा का, मेरे भाइयों का यही एम था कि आपको गवर्नमेंट की तरफ जाना है. बेसिकली आपको एग्जाम का पैटर्न आपके पीवाईक्यू से ही बता सकते हो. ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड सो. मेंस के मेंस बेसिकली ये मेंस क्या है कि एप्लीकेशन है जो आपने प्रिलिमिनरी में पढ़ा. बेसिकली प्रिलिमिनरी में तो वन डेफिनेशन पढ़ ली, आरसीसी, स्टील, सॉयल, सोम एंड सर्वेइंग, और स्टैटिक पोर्शन में बिल्डिंग मटेरियल. जसजय और स्टेट एई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो अन अकेडमी की तरफ से एक कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है. 15 मई को 1 बजे ये टेस्ट होने वाला है. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उसमें इनरोल करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं EGO10, जिसमें टॉप रैंकर्स को लगभग 90% का डिस्काउंट आपको मिलने वाला है स्कॉलरशिप के थ्रू, SSJEE प्लस सब्सक्रिप्शन पे. इसके अलावा कुछ स्टूडेंट को जो पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें गैजेट्स मिलेंगे, अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिलने वाले हैं. ये बेस्ट एंड इफेक्टिव प्रिपरेशन रहेगी SSJEE टेक्निकल जो 2021 में, 21 का 2023 में होने वाला है उसके लिए. इसमें जो कॉम्बैट होने वाला है, इसमें क्वेश्चन जो बनाए गए हैं वो टॉप एजुकेटर के द्वारा बनाए गए हैं. तो आप अभी इनरोल कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं कि स्कोरिंग क्या रहने वाली है. अगर आप टॉप में आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी. इसके अलावा कोर्सेज स्टार्ट, RRB JEE के कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ के. 1 मंथ का जो प्राइस है 2,000 रुपये है, 3 मंथ का है 4,500 रुपये में, 6 मंथ का 6,000 रुपये में. बट आप कोड यूज कर सकते हैं EGO10, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा बेनिफिशियल डिस्काउंट भी मिलने वाला है. तो इसे भी इनरोल कर सकते हैं. तो अपकमिंग जो रेलवे की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी जो आने वाली है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और के स्टूडेंट के लिए बेहतरीन हो सकता है. तो अभी से आप इन कोर्स में इनरोल होकर तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. जो स्टार्ट नहीं किए हैं वो अपना कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं. आप कॉम्बैट ये जरूर दीजिएगा, अन अकेडमी का है. तो ये अभी 15 मई को होने वाला है. 30 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट का आपको टाइम इसमें दिया जा रहा है. तो अभी से ही इनरोल आप कर सकते हैं. हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल. ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है. जैसा कि आप जानते हैं, इसमें SSJEE 2019 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की इंटरव्यू सीरीज चल रही है. तो आज हमारा ये 16th वीडियो होने वाला है. इसके पहले हम 15 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. जो स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हैं वो सीरीज देख सकते हैं. प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं. आज हमारे साथ मौजूद है हमारे ही प्रदेश यूपी के होनहार मथुरा से मिस्टर चंद प्रकाश सर. बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे, और बहुत बहुत बधाइयां हो. आपको CPWD डिपार्टमेंट मिला है, हाईएस्ट रैंक 76 रैंक आपकी CPWD में है. थैंक यू सर, थैंक यू. तो बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी चीजें हम पूछेंगे. जो स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, सारा वीडियो लास्ट तक देखिएगा आप लोग. और जो भी आपको सर के द्वारा बताई गई लाइंस अच्छी लगेंगी, लास्ट में आप वीडियो देखने के बाद वो लाइंस आप जरूर कमेंट में लिखिएगा. सर को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले हम आपके जो स्टडी है, बैकग्राउंड है, स्कूलिंग है, वो हम जानना चाहेंगे. वो उनके उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानना चाहेंगे सर. सर, मैंने 10th CBSE बोर्ड से की है, सरस्वती विद्या मंदिर कोसी कला से. और 12th भी मेरा वहीं से है, सरस्वती विद्या मंदिर कोसी कला, CBSE बोर्ड ही था. उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप आउट किया था फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT JEE, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट सेलेक्टेड इन दैट. आफ्टर दैट आई अपियर्ड इन UPTO एग्जामिनेशन. फ्रॉम UPTO एग्जामिनेशन आई गॉट कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी गाजियाबाद. फ्रॉम देयर आई कंप्लीटेड माई बीटेक, एंड इन द लास्ट ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन आई ज्वाइन अ कोचिंग IAS मास्टर फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट एग्जामिनेशन. एंड फ्रॉम देयर आई एम कंटिन्यूस माई प्रिपरेशन. तो ये SSJEE का आपको कौन सा अटेम्प्ट था और क्या स्कोरिंग रही है आपकी? सर, इट वॉज माई सेकेंड अटेम्प्ट and I scored 367 marks. In pre, I got 120 marks out of 200, and in mains examination, I got
238 मार्क्स आउट ऑफ 300। तो प्री में दो पार्ट्स होते हैं, एक टेक पार्ट होता है एक नॉन टेक पार्ट होता है, तो दोनों को बैलेंस करके तैयारी आपने किस प्रकार से की? सर मेनली जो मेरा फोकस था वो बेसिकली मेन जो था मेरा टेक्निकल की तरफ था, और फिर मेरा जो नॉन टेक के भी कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स थे उनकी तरफ मेरा थोड़ा सा ज्यादा फोकस था। जस्ट लाइक फॉर नॉन टेक आई मेनली प्रिपेयर्ड फॉर एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग पोर्शन, क्योंकि वो 50 मार्क्स का पेपर होता है, तो उसमें क्या बोलते हैं मेरा मेन फोकस वो वाला पोर्शन था, और करंट अफेयर वाले पोर्शन में जीएस वाले पोर्शन में मेरा मेन फोकस था पॉलिटी और ज्योग्राफी। बेसिकली इसमें फायदा ये था कि पॉलिटी और ज्योग्राफी थे उसमें से जो पीवाईक्यूज मैंने देखे थे वहाँ क्या स्टैटिक पोर्शन चीजें पूछी हुई थी, जस्ट लाइक फ्रॉम डैम्स फ्रॉम रिवर्स इन ज्योग्राफी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स इन पॉलिटी पोर्शन, तो वहां से बेसिकली स्टैटिक पोर्शन से ज्यादा चीजें पूछी हुई थी जो कवर करना एक तरह से थोड़ा आसान था, तो मैंने उन चीज उन सब्जेक्ट्स को थोड़ा नॉन टेक में ज्यादा फोकस किया था। रीजनिंग, यस आई रीजनिंग तो मतलब मस्ट है, अगर रीजनिंग तो आपको उसमें तो आपको टाइम देना पड़ेगा क्योंकि वो 50 मार्क्स का होता है, और वो बेसिकली एक इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए वहां थोड़ा सा फायदा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ओवरऑल एज मिलने को मिलेगी वहां पे, क्योंकि रीजनिंग मोर ऑर लेस मतलब इंजीनियरिंग स्टूडेंट की ठीक ठाक होती है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब 30 मार्क्स ही उसमें स्कोर कर पा रहे हो, अगर ऐसा कर पा रहे हो तो बेसिकली आप मान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं लैक करोगे चीजों में, तो रीजनिंग वाला ये वाला जो पोर्शन था इसमें आपको अबव 40 मार्क्स आपको आने ही चाहिए अगर आपको एक अच्छा मतलब डिपार्टमेंट चाहिए एक अच्छा स्कोर चाहिए, तो रीजनिंग को आप बेसिकली आपको क्या है उसके लिए मोर और मोर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ पीवाईक्यू देख लीजिए सारे सेट्स के लास्ट 10 इयर्स के देख लीजिए, तो कैसे कि एसएससी में काफी सेट्स के पेपर होते हैं एक नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ शिफ्ट्स चलती हैं, तो उन सारी शिफ्ट्स के आप लास्ट 10 ईयर देख लीजिए, तो वहां से आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी किस टाइप की पैटर्न पूछा हुआ है किस टाइप की क्वेश्चंस जस्ट लाइक कि मतलब पैटर्न से पूछे हुए हैं डाइस से पूछे हुए हैं और किस तरह ब्लड रिलेशन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं मिरर इमेज से किस टाइप के, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हाँ किस रेंज में कहाँ तक चीजें पूछी हुई हैं, तो रीजनिंग मस्ट है। टेक्निकल पार्ट की बात करते हैं, तो टेक्निकल पार्ट के लिए आपने कहाँ से स्टडी की और क्या कितने आपने टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ज्वाइन की या नहीं? सर एक्चुअली मैंने तो फाइनल ईयर में अपनी कोचिंग ज्वाइन की थी आईएएस मास्टर को, तो मेरी प्रिपरेशन बेसिकली वहां पे थी इंजीनियरिंग सर्विसेज का, मेरा मतलब जो मेरा एम था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी वो इंजीनियरिंग सर्विसेज की थी, लेकिन और फाइनल ईयर में मैं अपना प्लेसमेंट भी हो गया था मेरा गैमन इंडिया में, प्राइवेट कंपनी थी कोर कंपनी थी उसमें मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था, लेकिन मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि अल्टीमेट मेरा जो एम था मेरे मम्मी का पापा का मेरे भाइयों का यही एम था कि आपको गवर्नमेंट की तरफ जाना है, तो उसकी वजह से फिर मैंने उसको कंपनी को ज्वाइन ना करके मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कंटिन्यूस रखी थी, उसके लिए फिर मैंने ड्रॉप स्टार्ट कर दिया था, मैं 2019 का पास आउट हूँ उसके बाद फिर मैंने ड्रॉप लिया था, तो फिर 20 में मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी क्योंकि कोचिंग तो मैं कर ही चुका था, फिर मैंने खुद से प्रिपरेशन की थी, खुद से प्रिपरेशन के टाइम में मेरा बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पीवाईक्यूज थे मेनली उन्हीं पे फोकस रहा था स्टार्टिंग में, वहां से मैंने किया था, फिर गेट का भी मैंने एग्जाम किया था, तो गेट में मेरी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन उसकी भी की थी, तो मेरे को फिर जब मेरे को वहां मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरे को क्योंकि एसएससी जेई भी एग्जाम आने वाला था तो फिर मैं थोड़ा इधर की तरफ थोड़ा शिफ्ट हुआ, तो फिर मैंने इधर के पीवाई बेसिकली आपको एग्जाम का पैटर्न आपके पीवाईक्यू से ही बता सकते हो, हर एग्जाम अपने आप में यूनिक होता है, ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को पढ़ के और एसएससी में आप टॉप मार जाओगे या एसएससी क्रैक कर जाओगे, ये बहुत लकली है कि आप कर जाओ, मैं नहीं कह रहा कि नहीं कर पाओगे लेकिन थोड़ा सा टफ है क्योंकि हर एग्जाम का अपना अपना एक पैटर्न होता है, इसमें नॉन टेक अलग पूछते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में नॉन टेक अलग पूछते हैं, इसके क्वेश्चन ऑफ लेवल एसएससी के अलग हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलग हैं, तो जब मेरा यहाँ इंजीनियरिंग सर्विसेज में नहीं हुआ तो फिर मैंने एसएससी के पीवाईक्यूज देखे, तो फिर मेरे को आइडिया लगा कि बेसिकली एसएससी में पूछा क्या जा रहा है प्रीवियस ईयर में, मतलब उसके क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या जा रहा है, तो मेरे को आइडिया लगा कि जो जस्ट लाइक वन लाइनर क्वेश्चन हैं इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो वन लाइन क्वेश्चन है या कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जस्ट फॉर वन वर्ड डेफिनेशन टाइप और छोटे जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं जस्ट इस टाइप के क्वेश्चन दे आस्क्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो ये सारे क्वेश्चन आपको
कहीं ना कहीं दिखेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज के जैसे वन लाइनर क्वेश्चन हैं, वो डायरेक्टली दे आस्क फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। कुछ चीज जैसे बिल्डिंग मटेरियल है, सर्वेइंग है, ये एसएससी का अपना स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आपको एसएससी में अगर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको कहीं ना कहीं बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड सोम, ये चार पांच सब्जेक्ट मेरे को ऐसे लगे थे कि आपको इनमें एक अच्छी खासी कमांड चाहिए। मतलब बिना इन एग्जाम को आप, मतलब बिना इन सब्जेक्ट्स को कवर किए, एसएससी प्रिलिमिनरी में थोड़ा टफ हो जाता है। तो इन एग्जाम को आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन के अलावा खुद भी थोड़ा सा इनको अलग से, जैसे गुप्ता एंड गुप्ता को आप प्रेफर कर सकते हो, वहाँ एक अलग वैरायटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर आपको और भी थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है तो यूथ पब्लिकेशन है, वहां से करते, लेकिन वो यूथ पब्लिकेशन बहुत वाइड हो जाती है, वो एसएससी के लिए मेरे हिसाब से कोई उसका साइंस नहीं है, अगर उसको करने से कोई साइंस नहीं है। लेकिन हाँ, आप गुप्ता गुप्ता प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो बुक भी मतलब मोर प्रिसाइज है और वो जस्ट वन लाइनर जो एसएससी में जनरली दे डायरेक्टली आस्क। ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एसएससी में, अगर एसएससी में नहीं पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं वो एग्जामिनेशन में पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं वो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो प्रैक्टिस कर सकते हो। मोर और मोर तो आपको बस यही पीवाई क्यू करना है। कुछ सब्जेक्ट आपने प्री के लिए बताया, तो उसी हिसाब से अब मेंस के लिए अगर हमारा टारगेट है तो मेंस के लिए कुछ सब्जेक्ट को पूरी तरह पढ़ना पड़ेगा हम? सर मेंस के, मेंस बेसिकली ये मेंस क्या है कि एप्लीकेशन है, जो आपने प्रिलिमिनरी में पढ़ा, बेसिकली प्रिलिमिनरी में तो डेफिनेशन पढ़ ली, अब उस डेफिनेशन का जो एप्लीकेशन है वो मेंस है। मेंस में ऐसा नहीं है कि आप मेरे को डेफिनेशन आती है, वो अपना चीज है भाई, उसको पता है कि डेफिनेशन हम तुम्हारा प्रिलिमिनरी में चेक कर चुके हैं। अब मेंस में उसका एग्जाम्पल आए, उसका मतलब एप्लीकेशन आएगा, उसमें पूछा जाएगा कि वो न्यूमेरिकल दे देंगे। जैसे जनरली मेंस के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जस्ट लाइक आरसीसी, इसको आपको अच्छे से आरसीसी, स्टील, सॉयल, सोम एंड सर्वेइंग और स्टैटिक पोर्शन में बिल्डिंग मटेरियल, ये छह सब्जेक्ट अगर आपका अच्छा खासा इन सही सब्जेक्ट पे कमांड है तो मेंस में आज अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाओगे। मेंस 2 घंटे का होता है, 300 नंबर अटेम्प्ट करना होता है टोटल, तो उस समय माइंडसेट क्या होना चाहिए मेंस लिखते समय? कुछ लड़कियों का कंफ्यूजन ये होता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन और थ्योरी पोर्शन, तो नंबर इसमें ज्यादा मिलते हैं, और क्या माइंडसेट लगा के तब उस समय मेंस हमें लिखना चाहिए? जनरली मेंस बेसिकली 2 अप्रोच, मेंस से एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, मतलब स्पीड भी होनी चाहिए प्लस आपकी एक्यूरेसी, क्योंकि 2 आवर्स का पेपर होता है और 5 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चंस में 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस हो गए, तो 20 क्वेश्चंस को आपको एक तो 2 घंटे में करना है पहले, तो सबसे बड़ा काम तो यही है कि 2 आवर्स में उसको कंप्लीट करना है, प्लस 2 आवर्स में कंप्लीट करने के साथ साथ एक्यूरेसी आपको मेंटेन करनी है, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। आप अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज को भी देखोगे, वहां 3 आवर्स का पेपर होता है, तो वहां थोड़ा सा टाइम का एडवांटेज होता है, तो चीजें थोड़ा क्वेश्चन जरूर लेंथी होता है लेकिन टाइम का एडवांटेज उधर ज्यादा है, यहाँ टाइम भी कम है और एक्यूरेसी आपको मस्ट चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप थ्योरी, मेरा मतलब खुद का मानना ये है, मैंने भी जब अपनी प्रिपरेशन ये की थी तो मेरा ये अप्रोच था कि मेरे को बेसिकली न्यूमेरिकल पोर्शन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना था, मेरा मतलब यही स्ट्रेटेजी कि न्यूमेरिकल को मैं ज्यादा अप्रोच करूंगा, और मैं न्यूमेरिकल में भी मान लीजिए अगर कल को पेपर थोड़ा थ्योरेटिकल आ जाए, जैसे 2019 में हुआ था, पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप था, तो मैंने बेसिकली उसमें भी जिसमें थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा थे, मान लीजिए एक पार्ट, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट है और चार्ट में 2 जिसमें न्यूमेरिकल थे या 3 जिसमें न्यूमेरिकल थे, तो बेसिकली मैंने उसी को चूज किया था जिसमें न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में यह क्या था कि बेसिकली स्टेप मार्किंग होती है और थोड़ा सा अगर आंसर उनके कहीं ना कहीं मैच कर जाता है तो एग्जामिनर मार्क्स काटना थोड़ा उसके लिए टफ होता है। थ्योरी में थोड़ा सा एग्जामिनर का माइंडसेट भी काम करता है, राइटिंग स्किल्स भी काम करती हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके लिखने का वो भी मैटर करता है, तो थ्योरेटिकल पेपर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको ये है कि काफी चीजें मैटर करती हैं, लाइक एग्जामिनर माइंडसेट क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, लिखा क्या है, राइटिंग स्किल्स कैसी हैं आपकी, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस पे आप लोगों का कमांड नहीं है। मान लिया आपने अच्छा किया, एग्जामिनर को कुछ चीजें नहीं समझ में आई आपकी, तो वो इजिली आपके नंबर काट सकता है। हालांकि 2019 में जब मैंने किया था तो मेरा थ्योरी में भी मार्क्स कटा नहीं है जितना मेरे को आइडिया है, क्योंकि मेरा अटेम्प्ट भी पूरा नहीं था, उस हिसाब से मेरा मतलब नंबर वंबर उसमें ठीक मिले मेरे को। तो बेसिकली आपको जब थ्योरी लिखना है तो एक चीज ध्यान रखना है कि मान लीजिए स्टैटिक पोर्शन वैसे थ्योरी में आता कहाँ, बिल्डिंग मटेरियल का है जैसे, तो कुछ भी चीजें पूछी जाएंगी तो आपको बेसिकली क्या है कि चीजों को हाईलाइटेड करना है,
मतलब रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आना चाहिए कि ये बंदा लिखना क्या चाह रहा है, ये मेरे को समझाना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट। रिप्रेजेंटेशन हाईलाइट कर दीजिए, पॉइंट बना के लिखिए। अगर आपको टाइम टाइम नहीं है, मतलब आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, पैराग्राफ में उसको इतना टाइम नहीं है कि उसको आप पूरे पैराग्राफ को पढ़े, तो उन्हीं चीजों को थोड़ा सा मतलब हाईलाइटेड करके लिख दीजिए, कुछ चीजों को पॉइंट्स बना के कर दीजिए। तो वहां क्या है कि नंबर उसको पढ़ना भी थोड़ा आसान होता है और चीजों को उसको समझ आता है, अच्छा रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, तो स्कोर करना वहां उस चीज में थोड़ा सा आसान होता है। सब बहुत ही डीप में आपने बताया, काफी कम ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जिसमें इतना डीप नॉलेज कोई बताते हैं। अब आ जाते हैं हम जो प्री होता है उसके लिए लोग शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं कि नोट्स बार बार रिवाइज करने से अच्छा है कि हम कुछ टॉपिक्स लेकर शॉर्ट नोट्स बनाए। तो उसके लिए क्या स्टूडेंट को आप सलाह देंगे किस प्रकार से शॉर्ट नोट्स बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर शॉर्ट नोट्स का बेसिकली मेरे को जितना आइडिया लगा है, तो शॉर्ट नोट्स जब आप लिखते हो ना, वो बेसिकली आपके क्लास नोट्स ही शॉर्ट नोट्स बन के आ जाते हैं। बहुत चीजें बेसिकली आपको रिवाइज जो करना है, बेसिकली जो चीजों को की पॉइंट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके फॉर्मूलाज हैं, आप फॉर्मूलाज का नोट्स बना सकते हो। बहुत ज्यादा की पॉइंट जो हाईलाइटेड होते हैं क्लास नोट्स में, फैकल्टी जो भी आपको पढ़ाएंगे, टीचर वगैरह जो आपके ग्रुप पढ़ाएंगे, वो आपको कुछ चीजें ज्यादा ही हाईलाइटेड कर देते हैं, इसको आपको हमेशा याद रखना है। वो आप अगर अगर आपको मतलब इंटरेस्टेड है शॉर्ट नोट्स बनाने में, तो वो जो चीजें हैं उनको आपको हाईलाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको आप नोट्स में लिख सकते हो। अदरवाइज आप देखोगे जो क्लास नोट्स में, मेरा मानना यह है कि क्लास नोट्स में जो भी लिखाया जा रहा है ना, अगर सिंगल लाइन भी क्लास नोट्स में लिखाई जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि यार मैं इसको हटा सकता हूँ, टीचर मैं इस कॉलेज की बात अलग है, कॉलेज में अलग चीजें होती हैं, लेकिन अगर किसी कोचिंग में अगर कहीं कोई टीचर पढ़ा रहा है वहां पे, तो आप उसकी सिंगल लाइन को स्किप नहीं कर सकते हो। आप उसको ऑब्जर्व करोगे, आइदर वो लाइन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछी हुई है, या किसी एग्जाम में पूछी हुई है, या उसके हाई चांस है, अगर नहीं भी पूछी गई होगी तो उसके हाई चांस है कि अपकमिंग एग्जाम में कहीं ना कहीं वो पूछी जा सकती है। तो मेरा मतलब मानना यह है कि कहीं ना मतलब आप जो टीचर जो लिखाते हैं वो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स ही हैं, वो कोई लॉन्ग नोट्स नहीं है। आप ये समझ लो, अब मैं कोई छोटा भी एग्जांपल मान लो, एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट 1 और 2 है कॉलेज में, वो कम से कम 1000 पेज की बुक होगी, वो उसको टीचर प्रिसाइज करके 200, 250, 300 पेज में बना देते हैं। तो अब वो समझ लो उन्होंने सारी चीजों कितना कट किया होगा, कितना उसको एलिमिनेट किया होगा, तब जाके वो चीजें बन के आई हैं। तो बेसिकली वो ऑलरेडी प्रिसाइज ही है, वो ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स हैं, उसमें से और फर्दर शॉर्ट नोट्स करोगे तो कहीं ना कहीं आप चीजों को लैग कर सकते हो। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मान लीजिए आपको याद नहीं रह पा रही है, कुछ चीजें उसमें डेटा डेटा वाली चीजें होती हैं कि आपको नहीं याद रह पा रही है बार बार, तो उसको आप क्या है कि अलग से अपना शॉर्ट नोट्स में लिख सकते हो। लगता है कि जैसे अब मान लीजिए एनवायरमेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो सेडिमेंटेशन टैंक है, तो वहां कहीं ना कहीं उसकी ओवरफ्लो रेट क्या हुआ, इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये मतलब आपको याद नहीं रह सकती, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये डेटा वाली चीजें कहीं ना कहीं आपसे दिमाग से निकल ही जाएंगी। तो इनको बेसिकली आप एक अलग मतलब नोट्स बोल दीजिए, कुछ बोल दीजिए, आप उसको अलग करके लिख सकते हो। तो जिससे क्या है कि आप कहीं भी जा रहे हो, थोड़ा सा इसको रिवाइज मान लिया, फॉर्मूला बुक बना, फॉर्मूलेज लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूले इंसान से स्किप होते रहते हैं। लेकिन थ्योरी के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाना कोई मतलब मेरे को कोई मतलब एडवांटेज नहीं लगता उसका, मेरे को मतलब पर्टिकुलर कोई एडवांटेज नहीं दिखा है। जैसे 6-7 मेन सब्जेक्ट होते हैं, अब हम एक साथ तो एक ही सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट लेकर चलते हैं, तो क्या होता है रिवीजन में प्रॉब्लम हो जाती है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि स्टूडेंट रिवीजन नहीं करता है, तो आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि आप बार बार सब्जेक्ट रिवाइज करते रहें? सर मेरा मानना यह है कि एक बार तो आपको थोरोली सारा कुछ पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए, एक बार आपको प्रिपरेशन थोरोली डीप में जाके पढ़ना ही पड़ेगा हर सब्जेक्ट को। आप एक बार ये मत सोचो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, नहीं है, जो भी ये कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। एक बार आप सारा कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपकी जब एक बार आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लग जाएंगे, तब आपको फिर जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करो, जिस एग्जाम के लिए आप ऑरियंटेड हो, उस एग्जाम के हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा अपना अपना एलिमिनेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे अब मैंने जैसे SSC JEE के लिए किया था, तो SSC JEE के लिए मुझे पता था कि इंजीनियरिंग सर्विसेज को बहुत डीप है, उसका तो कोई मतलब थोड़ी नहीं है, तो वहां से मुझे पता था कि उसके सारी चीजें यहाँ नहीं पूछे जाने वाली। तो फिर मैंने वहां से पूछा, देखा था कि यार किस कौन कौन सी चीजें पूछी गई हैं, जैसे मैंने फिर वहां से एलिमिनेशन स्टार्ट किया कि अच्छा ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली आस्क कर सकता है, अच्छा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इससे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल इजी है, ये पूछा जा सकता है।
ऐसे ही मैंने मेंस में देखा था, मेंस में सारे न्यूमेरिकल, वो बेसिकली मेंस जो होता है वो इंजीनियरिंग सर्विसेज से उठ के ही आता है। मैंने यही बोलूंगा कि आज के टाइम में एसएससी जेई जस्ट लाइक ए मिनी इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप ये नहीं बोल सकते एसएससी जेई कोई छोटा एग्जाम है, वो डिक्टो किसी एग्जाम में अगर दो फेस हो रहे हैं ना, प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जामिनेशन, तो आप वो उस पेपर को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते उस एग्जाम को। तो उसमें भी फिर मेंस हो रहा है, और मेंस भी कहाँ से पूछते हैं, वो सीधा इंजीनियरिंग सर्विसेज से। तो आप समझ रहे हो, एक छोटा इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा जा रहा है, तो बेसिकली कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने वाला ही क्वेश्चन है। वो बिना ऐसे तो नहीं है कि रफली कुछ भी करके, मतलब थोड़ी भी प्रिपरेशन करके कर चले जाओगे हो जाएगा, तो ऐसे तो इंजीनियर ये पेपर निकलने वाला नहीं है। तो उसके लिए आपको मतलब समझ रहो, अगर कोई क्वेश्चन वहां पूछा जाए, उस लेवल की आपको प्रिपरेशन चाहिए एक बार के लिए। तो मेरा तो मतलब यही मानना है कि आप मेंस लिख रहे हो, तो मेंस के लिए आप क्या है, मेंस के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, जस्ट लाइक कि 10 नंबर के क्वेश्चन है, 15 नंबर के क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली दे आस्क इन एसएससी जेई इन 20 और 25 मार्क्स। तो ऐसे उनके छोटे क्वेश्चन उनको यहाँ 20-20 नंबर में पूछ लेते हैं, लेकिन पूछते जनरली वो वहीं से हैं। तो आपको अगर मेंस का प्रिपरेशन करना है, तो कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही जो छोटे क्वेश्चन है, जो आपको समझ में आ जाएगा पीवाईक्यूज देख के कि क्या क्या पूछा हुआ है, और वहां से उन छोटे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में कर सकते हो। जो आपके साथी इस समय हैं, जो आपके बैचमेट्स हैं या अभी आपके जो जूनियर्स हैं, जो अभी एसएससी 2021 देने वाले हैं, पहले प्री होगा मेंस होगा, अभी काफी टाइम है, लगभग 8 महीने अभी बाकी हैं, तो अभी उनको क्या सलाह देंगे कि अभी वो क्या कर रहे हैं, कि मेंस की तैयारी करें या प्री की तैयारी करें? बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, तो अभी से वो क्या करें? अभी बेसिकली देखिए, अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट, मतलब अभी टाइम है अभी एग्जामिनेशन में, तो मेरा मानना यह है कि अभी मेंस को आप पैरेलली लेके चलना चाहिए। रीजन क्या है कि जो इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम है और मेंस एग्जाम है, उसमें टाइम नहीं मिलता है आपको, आप उसमें इतना टाइम 20-22 दिन का टाइम मिलता है, तो उस टाइम में आपको मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से नहीं है, तो उस टाइम पे आप मेंस की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए फायदा क्या है कि अभी आप प्रिलिमिनरी, और एसएससी जेई में जो मेन रोल प्ले करता है वो मेंस ही करता है। जो आपका स्कोर, मतलब जो कौन सा डिपार्टमेंट, एक सीपीडब्ल्यूडीसी और बीआरए को जो सफर है, वो बेसिकली कहीं ना कहीं मेंस ही डिसाइड कर देता है। क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप हार्डली 8 से 10 नंबर का मार्जिन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो 8 से 10 नंबर से ज्यादा का आप मार्जिन क्रिएट नहीं कर सकते हो। एक एवरेज बंदा अगर 130 ला रहा है, और एक अच्छा खासा टॉपर बंदा है, इसके जिसके मार्क्स 140-145 मार्क्स, ये नॉर्मल, मतलब एक टॉपर स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, तो कहीं ना कहीं 10-15 नंबर से ज्यादा का मार्जिन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो मेंस में, प्री में, सॉरी एग्जाम प्रिलिमिनरी में। लेकिन मेंस में कहीं ना कहीं आपको एज उस चीज का मिल जाएगा, अगर आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन किया है और आपने मेंस के लिए स्टार्टिंग से टाइम दिया है प्रिलिमिनरी के साथ साथ, तो जो 20 से 22 दिन का जो लास्ट में टाइम मिलता है, वो उसमें तुम इजली आराम से मेंस कवर कर सकते हो, और वो आपको एज देगा और स्टूडेंट से, क्योंकि आपने मेंस की पहले से प्रैक्टिस की है, पहले से आपने चीजों को इतना एक्यूरेट किया हुआ है, पहले से स्पीड मेंटेन की हुई है, प्रिपरेशन उसी हिसाब से करो। मान लीजिए तुम एग्जाम हॉल में बैठ के, मतलब प्रिपरेशन एग्जाम दे रहे हो, उस हिसाब से अगर तुम पहले से ही अगर मेंस को पैरेलल ही लेके चलोगे प्रिलिमिनरी के, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उस टाइम में आपको कहीं ना कहीं एक एज मिलेगा और स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। तो प्रिलिमिनरी के लिए, अब प्रिलिमिनरी के लिए बेसिकली अगर कोई भी, अगर आपको लग रहा है कि आइदर आप अगर किसी कोचिंग कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, फिर तो आपको कहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं, मतलब कहीं नोट्स ना प्रेफर करो, कहीं कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, मतलब कोचिंग नहीं कर रहा है, तो अगर वो चाह रहा है, मतलब स्टार्टिंग एज ए बिगनर वो अगर स्टार्टिंग कर रहा है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आईएएस मास्टर की प्रिलिमिनरी की ऑब्जेक्टिव बुक है, तो उसको आप रिकमेंड कर सकते हो। उसमें भी फायदा यह है कि उसमें जो ये बात हमेशा उसमें ध्यान रखना है कि मतलब उसका जो ऑप्शन है उससे ही मतलब नहीं है, ऑप्शन के नीचे जो उसमें रेफरेंस दे रखा है, उसमें जो नीचे उसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आपको वो पढ़ना मस्ट है। तो उसके लिए सबसे प्रिलिमिनरी के लिए सबसे बेस्ट, अगर आपको कम टाइम में ज्यादा एफिशिएंट और मोर एक्यूरेसी मतलब चीजों को करना है, तो आप उस बुक को अगर प्रेफर कर सकते हो। रीजन फायदा ये है कि उसमें यही बात ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है बस ऑप्शन पढ़ लिए, जो रेफरेंस और जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं वो आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेने हैं। तो उसमें आपका ना थोरो, मतलब एक छोटे लेवल पे चीजों को वो प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन।
बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ इंटरव्यू करके, बहुत ही डेप्थ नॉलेज आपने दी है, तो थैंक यू वेरी मच। और जो भी स्टूडेंट ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सर की तरफ से बताई गई चीजें हैं, जो भी आपको एक लाइन अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत ही जल्द अगर आप चाहेंगे तो सर फिर से आएंगे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, वर्किंग एक्सपीरियंस वगैरह, उसके लिए हम नेक्स्ट ईयर 1-2 साल में फिर से वीडियो सर के साथ करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा नॉलेज शेयर किया है आपने, बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। थैंक यू सर।